तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार. सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए कि प्रॉपर मैं हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है ना वो फेक चीज़ें दिखा रहे हैं और एक साइड की सीसीटीवी फुटेज दिखा के वो बोल रहे हैं कि भाई इस बंदे ने उनपे अटैक किया है. जो सही चीज़ है भाई वो कोई दिखा नहीं रहा, और पूरी सीसीटीवी फुटेज आपको कोई दिखा नहीं रहा. जो केस के बीच में सबूत है वो बंदे अपने चैनल पे डाल रहे हैं, मीडिया वाले अपने चैनल पे डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये है वो है, वो भी एक साइड की सीसीटीवी फुटेज दिखा के. ना उन्होंने बाहर का दिखाया कि बाहर क्या हुआ, और ना उन्होंने उसके बाद का दिखाया कि कैफे के अंदर उसके बाद क्या हुआ. उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप सीसीटीवी की दिखाई जिसमें आमिर जो है उसको मार रहा है बस, और उन्होंने बाहर का कुछ भी नहीं दिखाया. भाई अब सबसे पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि भाई हुआ क्या था, प्रॉपर क्या हुआ था. हम सब भाई लोग शूट के लिए निकल रहे थे, सब रेडी हो गया था, सब सामान वगैरह पैक हो गया था, हम निकल रहे थे शूट के लिए. डायरेक्टर और आमिर जो है वो गए अंदर कैफे के अंदर. हमारे पास दो गाड़ियां थी, हैरियर जिसमें मैं बैठी हुई थी और एक दूसरी गाड़ी थी जिसमें जो और टीम बैठी हुई थी. ठीक है, मैं हैरियर में मैं अकेली बैठी थी, आमिर और डायरेक्टर वो अंदर गए. 10-15 मिनट के बाद क्या हुआ, मैं पहले भी उन लड़कों को नोटिस कर रही थी कि वो कभी इधर कभी उधर, जैसे किसी ने नजर रखी होती ना इस तरीके का, मैं पहले भी उनको नोटिस कर रही थी, लेकिन मुझे लगा छोड़ो ऐसे ही होंगे. मैं जैसे गाड़ी में बैठी थी तो येलो जैकेट में था वो बंदा, ठीक है, उस बंदे ने ऐसे करके गाड़ी में देखा. जैसे उसने ऐसे देखा ना, मेरे को पता चल गया भाई बंदे ने बहुत ज्यादा दारू वारू पी हुई है. कहता रुक जा बताते हैं तुम्हें, बताते हैं, उसने इस टाइप का बोला और वो जाने लगा कैफे के अंदर. मेरे को लगा इस बंदे के पास वेपन वगैरह होगा, अंदर जाके क्या पता आमिर पर अटैक वगैरह नहीं करे. मैं फटाफट गाड़ी से उतरी, और जब मैं गाड़ी के बाहर उतरी उस टाइम पे वो मेरे को पकड़ के मार देते क्या करते, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली और फटाफट कैफे के अंदर भागी. मैं जब मैं अंदर भागी, आमिर काउंटर पे पेमेंट कर रहा था और डायरेक्टर उस साइड चेयर पे बैठा हुआ था. जैसे ही आमिर ने पीछे देखा तो मैं आमिर के पास आई, और वो बंदा आमिर को भाई गंदी गंदी गालियां देने लगा. ठीक है, सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई उसने पूछा कि आप आमिर मारी, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता. और ये भाई मैं उसके साथ थी यार, भाई सिंपल सी बात है, कोई बंदा अगर किसी को पूछेगा कि भाई आप ये आप आमिर माजिद हो या आयरा माजिद हो, भाई हम पागल तो है नहीं यार, उस पर हाथ उठाएंगे. ठीक है, इतनी देर में क्या हुआ, जैसे ही वो गाली वगैरह देने लगा, आमिर ने भाई कुछ नहीं किया, आमिर ने उसको बोला भाई साइड हो जा. इतनी देर में वो बंदा मेरे को गाली देने लगा, मेरे को गाली देने लगा. और मेरे को जैसे वो बंदा गाली देने लगा, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी पड़ी हुई है, वो बंदा ऐसे मेरी तरफ आने लगा अटैक करने के लिए. इतनी देर में आमिर ने उसको यहाँ से पकड़ के पुश किया पीछे. अगर आपकी कोई वाइफ को या आपकी माँ को या आपकी बहन को कोई तंग कर रहा होगा, उसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, गंदी गंदी गाली दे रहा होगा, अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे, अगर आपकी माँ बहन को कोई अटैक करेगा या गाली देगा. इतनी देर में क्या हुआ, जैसे ही उसने धक्का दिया उसको, यहाँ से जो है थोड़ी हाथापाई स्टार्ट हो गई. जैसे ही हाथापाई स्टार्ट हो गई, इतनी देर में ही बाहर से 10-15 लड़के अंदर आए. इस टाइम में जो डायरेक्टर था उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे को फटाफट गाड़ी में बिठाया. उसने बोला तू लड़की है, तेरे को बहुत ज्यादा खतरा है, तेरे को कुछ कर देंगे. ऑब्वियसली भाई मेरे को वहां जान का खतरा था, मेरे को वो आराम से मार देते. उन्होंने उन्होंने मुझे पकड़ा, हम यहाँ सिद्रा चौकी में गए, हमने फटाफट वहां पे बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया. हमने पूरी वहां पे FIR वगैरह दे दी है, Section 307 का केस जो है लग चुका है. मैं आपको FIR की फोटो एक बार दिखा देती हूँ, और जितने भी भाई एक साइड की फुटेज दिखा के भाई हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं ना, उन सब के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा. भाई ये FIR है, अगर आपको दिख रही होगी तो, ये हमने FIR उन पर लगा दी है. ठीक है, तो अगर सारे बंदे बोल रहे कि हमने अटैक किया, भाई अगर हमने अटैक किया होता ना, वो बंदे आते पुलिस स्टेशन हमारे खिलाफ FIR देते कि इन्होंने भाई हम पे अटैक किया. सिंपल सी बात है यार, अगर हमारी गलती होती हम यहाँ रहते नहीं. आज 3 दिन हो चुके हैं भाई, ना पुलिस उनको पकड़ रही है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई उस बंदे की कंडीशन इतनी खराब है, वो बेड से उठ तक नहीं पा रहा भाई, पेरेंट्स की हालत खराब है भाई, हम सारे 3 दिन से सोए नहीं अच्छे से. कौन बोल रहा है? आमिर बोल रहा है. आमिर आमिर बोल रहा है. बस ये बता रहा था तेरा करियर खत्म हो गया. ओके, कैसे करेगा करियर खत्म? तेरा हो गया खत्म. भाई ये सारी चीजें तब भी स्टार्ट हो गई थी ना जब इस बंदे ने ग्रो करना स्टार्ट किया था, तब भी से इसके दुश्मन बनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि वो किसी की ऊंचाई देख नहीं सकते भाई. जब कोई बंदा ग्रो करता है ना, वो जलते हैं भाई, देख नहीं सकते, उसको नीचे खींचते हैं. तो भाई ये आमिर पे पहले भी भाई 4 बार अटैक हो चुका है, लेकिन हमेशा हमने हमेशा छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं यार. 10-15 बंदे ऑलरेडी बाहर थे, जैसे वो मौका ढूंढ रहे हैं कि जैसे इसका कुछ होगा तो हम इस पे अटैक करेंगे. वो सीसीटीवी फुटेज भाई आप लोगों को दिखाई नहीं जा रही है, मैंने तो आप लोगों को अपनी तरफ से बता दिया, बट सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगी आप सबको अच्छे से क्लियर करने के लिए. ये देखो भाई, यहाँ पे आमिर के एकदम बाल वगैरह पकड़े हुए हैं. ये देखो भाई, इसको इस पे अटैक किया जा रहा है. भाई यहाँ पे भी आमिर उन बंदों को मार सकता था, लेकिन भाई उसने हाथ नहीं उठाया उस बंदे पे, इवन कि उस बंदे ने उसके बाल वगैरह देख सकते हो कितनी बुरी तरह से उसको मार रहा है, लेकिन आमिर ने उस बंदे पे हाथ नहीं उठाया. लेकिन इस बार भाई बात मेरी थी. अगर भाई आपकी वाइफ, आपकी बहन या माँ के साथ ऐसा होगा,
और आप कुछ अगर नहीं करोगे ना भाई, फिर मैं मानूंगी कि हाँ गलती थी हमारी, हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई हमें ये नहीं सिखाते, हमें भाई औरतों को ना प्रोटेक्ट करना सिखाते हैं। अब वो वाली फुटेज दिखाती हूँ जो मेन सीसीटीवी फुटेज है, जब वो बंदा मेरे पे अटैक करने आया और आमिर ने उसको पुश किया बैग। ये सबसे मेन फुटेज है भाई, इससे सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो येलो जैकेट वाला बंदा, ये है भाई वो बंदा जिसने दारू पी रखी थी, और ये खड़ी हूँ मैं, ठीक है, ये हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरे को गंदी गंदी गालियां दे रहा था, ये देख सकते हो, ये मैं खड़ी हूँ, ये मेरे को गंदी गंदी यहाँ पे गालियां दे रहा था। और ये देखो, जैसे ये मेरी तरफ आने लगा फिर इसको आमिर ने पुश किया। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे ही ये बंदा आगे आने लगा मेरी तरफ, ये देखो, ये देखो, ये आगे आने लगा और आमिर ने इसको पुश किया पीछे। ये देख के भाई लोग आपको क्लियर हो गया होगा कि वो बंदा मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा था और आमिर ने फिर उसको पुश किया। ये एक सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास आई विटनेस भी बहुत सारे हैं भाई। सीसीटीवी फुटेज से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई जो मैं बोल रही थी कि ये बंदा मेरे पर अटैक करने की कोशिश करता, फिर आमिर ने इस पर अटैक किया था। मैं आपको यही बोलूंगी कि भाई फेक रूमर्स पे और एक साइड की फुटेज देख के उन पे यकीन मत करो भाई। आप सब अभी हमारे लिए प्रे करो कि हम सेफ रहे यार, हमको बहुत खतरा और बहुत थ्रेट मिल रही है।